और जो पैरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट होता है उसका रीजन क्या है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करें इकोलॉजिकल पैरामिड की कि इकोलॉजिकल होते क्या हैं तो ये सिंपली हमारे ग्राफिकल डायग्राम हैं जिसके हेल्प से हम फूड और एनर्जी रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल और ये फूड और एनर्जी रिलेशनशिप को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ नंबर जिसको हम पायरामिड ऑफ नंबर कहेंगे यहाँ पर हम उन ऑर्गेनिज्म के नंबर की बात करेंगे जो कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ बायोमास बायो पर हम ऑर्गेनिज्म के बायोमास को ऑर्गेनिज्म के बायोमास की बात करेंगे एंड पायरामिड ऑफ एनर्जी ओके तो यहाँ पर सिंपली हम नंबर को देखेंगे यहाँ पर हम बायोमास को देखेंगे बायोमास की बात करें तो हम यहाँ पे ड्राई वेट को मेजर करते हैं तो यहाँ पर इकोलॉजिकल पायरामिड के अंदर ड्राई वेट मेंशन किया गया है मतलब ये हमारा क्या है बायोमास है यहाँ पर कोई नंबर नहीं है अगर पायरामिड नंबर होता तो इंडिविजुअल के नंबर दिए होते यहाँ पर जैसे कि सेवन हंड्रेड है या फाइव हंड्रेड है जो भी है और एनर्जी का होता तो यहाँ पे एनर्जी के यूनिट क्या है जूल तो यहाँ पर एनर्जी मैंशन की होती है जैसे कि यहाँ पे टेन जूल है या फिर हमारी कितनी होगी जीरो तो पॉइंट फाइव है या जो भी है लेकिन यहाँ पर हमारा मेंशन किया गया ड्राई वेट मतलब ये हमारा पायरामिड ऑफ बायोमास है ओके okay? अब यहाँ पर फास्ट ट्रॉपिक लेवल जो फास्ट ट्रॉपिक लेवल होता है या जो बेस होता है पायरामिड का वो प्रोड्यूसर्स को बताता है देन ये हमारे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है थर्ड एंड फोर्थ तो यहाँ पर बायोमास क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है जैसे जैसे हम अपर ट्रॉपिक लेवल पर मूव करेंगे तो ये हमारा क्या है अपराइट पायरामिड का एग्जाम्पल है अब अपराइट और इनवर्टेड right, uh, से हम क्या समझते हैं पायरामिड्स की जो शेप होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है एक हमारे इनवर्टेड पायरामिड होंगे इन्वर्टेड पायरामिड क्या होते हैं जैसे जैसे हम अपर ट्रॉपिक लेवल पर मूव करेंगे तो जो बायोमास है वो इंक्रीज होगा और अपराइट पायरामिड की बात करें तो इस कंडीशन में जैसे जैसे हम अपर ट्रॉपिक लेवल पर मूव करेंगे तो हमारा जो बायोमास है या जो नंबर है वो क्या होता है डिक्रीज होगा तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो ये हमारा अपराइट पायराम्पल है और ये ऑफ होगा। अब एनर्जी की बात करें, हमने 10 लो के बारे में जाना है। है? क्या होता है? कि जो एनर्जी है जब एनर्जी का ट्रांसफर होगा फर्स्ट टू तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल तो सिर्फ जो टेन परसेंट एनर्जी है वही ट्रांसफर होती है जो रिमेनिंग एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट तो सपोज ये हमारा फास्ट टॉपिक लेवल है फास्ट टॉपिक लेवल पर हमारे क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं ओके देन सेकंड टॉपिक लेवल पर हमारे क्या होंगे हार्बी वॉर्ड्स होंगे देन कार्नी हैं और ये हमारे टॉप कार्नी हैं तो यहाँ पर हमारी एनर्जी पर होगी 10,000 जूल यहाँ पर हो जाएगी हमारी वन जूल देन हंड्रेड और टेन जूल तो एनर्जी हमारी कितनी ट्रांसफर हुई है जितनी फास्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट है उसके टेन परसेंट सेकेंड परसेंट थर्ड देन फोर्थ और जो रिमेनिंग हमारी एनर्जी है वो नाइन्टी परसेंट क्या हो जाएगी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी तो एनर्जी हमेशा डिक्रीज होकर ट्रांसफर होती है अपर ट्रॉपिक लेवल पर जैसे जैसे हम अपर ट्रॉपिक लेवल पर मूव करेंगे एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होती है तो इसीलिए जो पायरामिड ऑफ एनर्जी होगा वो क्या होगा अपराइट होगा

आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर